ऑडियंस लाखों लोग बैठे हुए आपके सामने सर डेढ़ सौ रूपये प्लस पे क्राउड बुलाया बात करना चाहता तो इनके दिलों में बहुत सवाल हैं है? तो भाई हाँ किसके पास है सबसे पहले सवाल क्या क्या नाम है आपका मोहम्मद सईद हाँ मोहम्मद सईद क्या क्या करने हो यहाँ पे सर मैं शो देखने आया हूँ आपके तो लिए बैठ के देखो खड़े क्यों हो गए इन दोनों से सर से पूछो पहले सर से मेरा सवाल है आप एक मिसाल देते होते हैं पार्लियामेंट में वो चौधरी वाली और उसका जो नौकर है गामा मरासी वो बहुत मशहूर हुई है वो अगर आप सुना दें आपने खुद बनाई है या वो कहीं पढ़ी थी आपने वो इस तरह था जी के हम ओपोजिशन में थे फंड्स मिलते कोई नहीं थे हल्कों में डिवेलपमेंट होती कोई नहीं थी मैं पंजाबी में ही गुफ्तगु करता था तो मैंने स्पीकर को कहा कि जनाब स्पीकर साड़ी ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਣੀ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਮubarਕ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਦੇਖ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ हां साहब तबीयत ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਈ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਪੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਂ ਰਿਆਣਾ ਗਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦੇਗ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੇਗ ਉਹਦੇ ਵੇਖਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਮਿਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਹਨੇ ਚਾਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਲਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਮੁੱਕ ਗਈ ਦੂਜੀ ਦੇਗ ਖੁੱਲੀ ਗਾਮਾ ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੈਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਮਿਆਂ ਕੀ ਬਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਆ ਤੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨੇ ਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਗਾਮੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੀਸਰੀ ਦੇਗ ਵੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਏ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨੇ ਚੀਆਂ ਉਹ ਉਠਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਲੈਣ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਗਾਮਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੋ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਚੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਡੋ ਇਹ ਗੀ ਆਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੁੱਕ ਡੋ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ सानू ही कोई शेय नहीं लभी खुदा नाज सान जेन चुके जी सर मेरा फहीम भाई से सवाल है कि ये बैटिंग किस नंबर पे अपना जो है ना वो शौक से करना चाहेंगे कि मेरी इस नंबर पे बैटिंग रख दें तो मैं सही खेल सकूँ हाँ फहीम किस नंबर पे बैटिंग आपको कहीं पे भी मिले लेकिन अगर आप एज अ बैट्समैन खेलना चाहते हैं तो आपको फिर होता है स्पेसिफिक एक नंबर होता है कि मैं इस नंबर पर खेलूंगा तो मैं लंबी इनिंग्स खेल सकता हूँ पाकिस्तान में या दुनिया में आप देख ले ऑलराउंडर जो है वो छः नंबर या पाँच नंबर के बाद ही ज़्यादातर आते हैं ऐसा ही है मैं ये नहीं कहता कि मुझे चौथे पे खेल खिलाएँ पाँचवें पे खिलाएँ जहाँ पे खिला रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि वो बेस्ट पोजीशन है क्योंकि अगर आप टी देखें टी में तो आसान है खेलना आपके पास सिर्फ एक ही एम होता है कि जाके मैंने मारनी है मैं आउट हो गया मसला नहीं है यही है सारा सबको यही बोलूँगा कि मैं आउट हो गया हूँ मारने गया था आउट हो गया हूँ लेकिन सबसे जो मेन आपके टेस्ट क्रिकेट है टेस्ट क्रिकेट में आपके सबसे मेन नंबर होते हैं पाँच छः और सात तो मैं ये हैप्पी हूँ कि छः से सात नंबर पर मुझे बारी मिल रही है और मुझे अपने जो टीम की टेस्ट टीम की है जो पिछले एक साल से डीढ़ की हड्डी समझा जा रहा है अपने प्लेयर्स के साथ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस नंबर पर मुझे खिला रहे हैं मैं उस नंबर पर वैसा ही परफॉर्म करूँ जैसा मैनेजमेंट मुझसे चाह रही है ये याद करके आते भाई क्या जवाब? ये जवाबिंग डाली देडिंग देडिंग डाली इतना अच्छा जवाब दिया यार इंटर में तो पूरे नंबर आए होंगे अच्छे खासे वेरी गुड अच्छा अच्छा पढ़ते थे बहुत अच्छा था वेरी गुड